अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है दिल पसंद बनेगी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये थोड़ी सी बेकरी स्टाइल में बनेंगे। तो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। पहले तो इसका आटा गूंद लेंगे। आटे के लिए हमें पहले शक्कर पीस लेनी है। तो 100 से 150 ग्राम जितनी शक्कर यहाँ पर मैं समझ लो 120 या फिर 150 ग्राम जितनी शक्कर ले ली है अंदाजन, तो इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर है मैदा, एक बड़ा सा बर्तन मैंने लिया और उसमें डाल दिया मैदा 2 किलो और इसको अच्छे से छान लिया था। और यहाँ पर अच्छे से आटा छानने के बाद इसका शक्कर का मैं पाउडर डाल दूँगी इसमें, तो ये मीठे बनेंगे। तो इस वजह से तो पहले बनेगा पफ पेस्ट्री का बेस। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून जितना नमक अंदाजन डाल दिया और इसमें डाल देंगे अपना घी, डालिए बटर, डालिए माजरीन, डालिए आपकी मर्जी 100 ग्राम जितना। 100 ग्राम घी डाल दिया मैंने यहाँ पर और 100 ग्राम ही जितना अपना ये क्या बोलते हैं इसको, कस्टर्ड पाउडर, ये डाला खुशबू के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ मीठी बन रही है। तो इस वजह से अगर आप पफ पेस्ट्री का बेस बना रहे हो एग पफ के लिए वगैरह, दूसरी चीज़ के लिए वेज पफ या फिर तिखी कोई चीज़ बना रहे हो, तो उस वक्त आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ना डालिएगा। हल्का हाथ से पानी डाल के अच्छा सा सॉफ्ट सा एकदम आटा गूंथ लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट रखिए ना ज़्यादा इसको सख्त रखिए, बेलने में आसानी रहेगी इस वजह से। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने अच्छा से एक बार मिल गया आटा, उंगलियों से बस हल्का सा बंध जाए उस तरीके से कर लिया और 10 मिनट के करीब अच्छे से इसको मसल मसल के गूंदा और हल्के से हाथों से तेल लगा कर रख दिया। और इसको रख देंगे साइड में ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, तब तक बना लेंगे फिलिंग। फिलिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड, ब्रेड लें या फिर आप केक बेस भी ले सकते हो, वनीला केक स्पॉन्ज भी। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 जो है बंस लिए थे, उसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिए। और या फिर आप 1 किलो का केक्स जो है वो भी ले सकते हो। बेकरी में अक्सर जो है साइडों का जो निकला होता है चूरा वही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 kg जितना टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें लाल वाली कम है हरी वाली ज़्यादा है। तो 1.5 किलो टूटी फ्रूटी, और ये क्योंकि मीठी होती है इस वजह से 0.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा 3/4 किलो तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाद में तक भी ऐड कर रही थी चीज़ें अपने हिसाब से। तो यहाँ पर 3/4 किलो जितना नारियल और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी देख लीजिएगा, अगर थोड़े से बड़े चंक्स आ जाए तो काट के डाल दीजिए, और 1 पाव जितने मैंने किशमिश डाल दिए। तो आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से जो है चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हो। और 1/2 चम्मच जितना मैंने इसमें नमक डाला है फिलिंग में, इससे टेस्ट बहुत खुल के आ जाएगा। और 100 से 200 या फिर 150 ग्राम तक आप इसमें काजू डाल सकते हो। काजू लिए मैंने जितने डालने थे मुझे, और उसको बस हल्का सा मोटा मोटा कूट लिया। ज़्यादा आपको चॉप भी करके डाल सकते हो, बस हल्का सा 1 में 4 टुकड़े हो जाए उस तरीके का। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से डाल दिया काजू भी, सिर्फ इसमें काजू जाता है और किशमिश जाता है। तो ये डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी शक्कर। शक्कर जो है पूरे प्रोसीजर में हमें लगी थी 1 किलो जितनी मैं शक्कर डाल चुकी थी इसमें। फिलहाल तो यहाँ पर 3/4 किलो जितनी मैं शक्कर डाल रही थी और डाली थी, और 1 कप जितनी बचा ली थी, बाद में मुझे कम लगी तो मैंने वो भी डाल दी। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि टूटी फ्रूटी भी मीठी होती है, ब्रेड भी मीठा होता है, तो केक जब आप डालते हैं केक का चूरा, तो केक का चूरा मीठा ही होता है, ब्रेड अक्सर थोड़ा सा फीका होता है, ब्रेड ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे 1 किलो जितनी शक्कर लगी, तो ये डाल दिया। तो ये क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बनने वाली है, तो इस वजह से इतनी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगी क्या मैंने कितना कितना डाला है वो। तो इसमें इलायची पाउडर भी डाला जाता है और या फिर वनीला एसेंस, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं 2 या फिर 2.5 चम्मच जितना अंदाजन खुशबू के लिए इलायची वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इलायची पाउडर नहीं। तो शक्कर मुझे थोड़ी सी कम लगी तो फिर डाल रही हूँ इसमें, इसे देख सकते हो आप। वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देख लीजिए। अच्छे से बस इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे साइड में और वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें। हाथ से मैं मिला रही हूँ, जिसे देख सकते हो आप, अपने हिसाब से चीज़ें जो है ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो है किशमिश कम लगी, तो और मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। देखिए अंदाजन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप पे है कितना आप डाल सकते हो। तो रख दिया है साइड में, फिलिंग भी तैयार हो चुकी है और
ये पफ डालडा के नाम से, पफ डालडा कह लो, माजरीन कह लो, वेजिटेबल शॉर्टनिंग, ये चीज़ होती है पफ में, कोई भी पफ हो इसी इसी से ही बनता है। बेकरी में अगर बना रहे हो, बेकरी में बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। तो इसको पहले क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर ये एक किलो है, तो इसको पहले मसला जाएगा क्योंकि ये हार्ड होता है, इस वजह से। देखिए आटा नहीं गूंदते उसी तरीके से, सेम आपको गूंदना है हथेली की मदद से, प्रेशर दे दे के ये सॉफ्ट होगा। बेकरी में यही इस्तेमाल होता है, जैसे क्रीम बन में क्रीम हो गया, यही इसी से क्रीम बनता है, और केक वगैरह में यही डालते हैं वो लोग। अगर नॉर्मल आप, आपको ये चीज़ चाहिए तो बेकरी का सामान जहाँ से मिलता है वहाँ आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा आसानी। तो इसको देखिए अच्छे से, इसको स्प्रेड करने के लिए पहले हमें इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है ये, बाद में आपको रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा, बाहर जैसा एकदम फर्स्ट क्लास अपना जो है पफ बनकर तैयार हो जाएगा। एक होता है दिल पसंद ब्रेड वाला, एक होता है ये, हमारे साउथ में तो बहुत फेमस है ये दिल पसंद, दिल खुश, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, हल्के हाथों से नहीं, अच्छे से प्रेशर लगा के इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया है। सॉफ्ट करने के बाद दूसरी चीज़ बता दूँ, तो जब भी इसको रखें तो एक कवर में, जिस कवर में आपने लाया है उसी में रखिएगा, वरना आप धोते वक्त आपको बर्तन बहुत ज़्यादा चिकना महसूस होगा, और जितना भी साबुन लगाएंगे या फिर लिक्विड भी लगाएंगे तो वो जल्दी निकलेगा नहीं। तो इस वजह से इसको पेपर में ही रखा कीजिए, जो पॉलीथीन में आपने लाया है। और ये सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पर अच्छे से आटा भी सॉफ्ट हो चुका है, तो नीचे जो है स्लैब पर आपने मैदा डस्ट कर लीजिए। और ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, तो इस वजह से इसमें 1 किलो जाएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में देखना चाहते हो तो कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और ये वीडियो पूरा देख लीजिए, बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लंबा है तो इस वजह से इसको स्किप करके मत देखा कीजिए। थोड़ी सी थोड़ी डिटेलिंग है इसमें, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, 3-4 घंटे की मेहनत है तो इसमें है, तो वीडियो को पूरा डिटेल में देख लीजिए स्किप ना करते हुए, और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो आटा लिया था उसको अच्छे से बेल लीजिएगा स्लैब पर, क्योंकि उनका बेलन जो है बड़ा होता है बेकरी वालों का, नॉर्मल हमारा बेलन छोटा होता है घर वाला, तो इस वजह से थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी। तो बस बेल लीजिएगा हल्का सा, जितना हो सके उतना पतला बेलिएगा, 1/2 इंच के करीब मैंने मोटा इसको रखा था। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो 2 किलो में यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो 2 किलो मैदा हो गया, और डस्टिंग के लिए 1 पाव जितना मैदा तो चला ही गया इसमें। तो इसके बाद 1 किलो जो है माजरीन गया। तो ये हमारे इसमें पूरे जो है प्रोसेस में 120 जितने जो है एक साइज़ के अगर आप बनाएंगे, तो थोड़े से मेरे छोटे बड़े हो गए थे तो 120 बन जाएंगे, 110 या फिर 15 बने थे शायद। तो कोई भी स्पेशल ओकेशंस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है घर में अगर बना रहे हो आप। तो ये सारा बेल लिया अच्छे से, तो इसके बाद जो है इसको स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे पफ डालडा माजरीन अच्छी तरीके से। आपने अच्छे से उसको चिकना नहीं किया, सॉफ्ट नहीं किया माजरीन, तो इस वक्त दिक्कत आएगी, तो उस वजह से मैं बता रही थी कि सॉफ्ट करना ज़रूरी है। तो अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे हाथ से, सब काम मैं हाथ से ही कर रही हूँ, फिलिंग के लिए हाथ से, और इसी में भी चम्मच से नहीं, हाथ से ही लगाइएगा इसको। तो यहाँ पर अच्छे से इसको हाथों से स्प्रेड करना है, और 1/2 किलो एक टाइम पे लगाना है, आधा आधा जो चिकना किया था आधा आधा हिस्सा कर लीजिएगा उसमें, तो आधा जो है इस वक्त लगाएंगे, आधा जो है सेकेंड टाइम पर लगाएंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंट है नॉर्मल, अगर पफ पेस्ट्री जो वीडियो देखते हैं आप, थोड़ा सा मैंने बेकरी वालों का देख के बनाया है, ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और जब मैं पहले बनाती थी तो 1 किलो के लिए 750 ग्राम्स माजरीन इस्तेमाल करती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा माजरीन माजरीन हो जाता था। तो अच्छे से स्प्रेड कर लिया, स्प्रेड करने के बाद इसको ओवरलैप कर देंगे, देखिए इस तरीके से, अच्छे से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से मैदा डस्ट करके बेलते जाएंगे,
तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो माजरीन है, पिघलेगा नहीं क्योंकि ठंडी का भी मौसम है। तो यहाँ पर अगर बटर इस्तेमाल कर रहे हो आप तो इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, फ्रीज़र में। तो यहाँ पर इसको अच्छे से दूसरी बार भी इसी तरीके से बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलते वक्त इसको प्रेशर लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी लगेगी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी है, हम लोग इस चीज़ के आदी नहीं है बेलने के, इस वजह से थोड़ा सा हाथ में आपको प्रेशर लगेगा, बट रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से इसको बेल लेंगे, बेलने के बाद दूसरी बार भी सेम उसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे जितना बचा है वो। बीच बीच में बेलें और थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए बेलिएगा, आराम से बेल जाएगा। तो कोई हो अगर आपके साथ में तो उसके साथ भी अगर आप अच्छे से बेल सकते हो, कोई मैदा डस्ट कर रहा है घर में अगर आप बेल रहे हो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये करने के बाद जो बाकी बचा माजरीन है आधा वो लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, देखिए इसी तरीके से। अब माजरीन लगाने के बाद इसको और चार बार बेलना पड़ेगा। देखिए पहले तो एक बार बेला लगाया और दूसरी बार ये, और इसको चार बार बेलना पड़ेगा, चार या फिर छः बार। ये सेकेंड बार लगाया, दूसरी बार लगाया और इसके बाद जो है डस्ट करके मैदा फिर बेल रही हूँ। मैंने छः बार बेला है, आप चार भी बार बेल सकते हो। हल्का सा मैदा लास्ट जब तक आप बेल रहे हो तो एकदम आटा जो है लचीला हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छा सा आटा सेटल हो जाए। इस वजह से यहाँ पर मैंने छः बार बेला था और इसके बाद इसको रख देंगे साइड में। तो जिसे देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इसको ताकत लगती है बेलने के लिए। तो यहाँ पर इसको रख देंगे अच्छे से डस्ट करने के बाद मैदा, इसको देखिए एकदम इस तरीके से फोल्ड करके रख देना है कम से कम एक घंटे के लिए। इसको छः बार बेलने के बाद रेस्ट के लिए रख दिया था और इसके बाद रेस्ट करने के एक घंटे के बाद, बता रही हूँ मैं आपको, इसके तीन पीसेस मैं काटूंगी। देखिए कितने लेयर्स इसमें बन रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को क्योंकि बहुत लंबी जाती है इस वजह से वीडियो। तो यहाँ पर इसके तीन हिस्से बनेंगे। तो पहला हिस्सा जो है लिया और इसको बेल लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे इसको, एकदम जो है हाफ इंच जितना चौड़ा बेलेंगे। आप इसको जैसा चाहे वैसा नहीं बेल सकते, सिर्फ लंबाई चौड़ाई इसी तरीके से बेलना है आपको। देखिए जैसे देख सकते हो आप, गोल भी नहीं बेलना वरना वो लेयर्स जो है फ्लफी नहीं होंगे और क्रिस्पी नहीं बनेगा पफ आपका। तो यहाँ पर अच्छे से इसको बेल लेंगे हाफ इंच के करीब, तो हाफ इंच के करीब बेलना है और इसको काट लेंगे। तो हमें साइज़ इतना बड़ा नहीं रखना है, तो एक बंदा खाए तो उसको बस ना हो, तो इस वजह से चार इंच की मैं चार उंगलियां जितना पहले निशान लगा रही हूँ। तो एक टाइम पे बेक करने के लिए हमें एक 35 to 40 एक टाइम पे मैं बेक कर रही हूँ OTG में। तो यहाँ पर प्री हीट हो चुका है अवन 180 to 190 डिग्रीज पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस वजह से ऊपर नीचे का रॉड ऑन किया और इस तरीके से मार्किंग करके मैंने इसका कट लगा लिया है और स्क्वायर शेप में इसको बना लिया है। अक्सर जो है जैसे दिल पसंद आपने देखा होगा मैं बना रही हूँ, तो उसका शेप जो है दूसरा होता है, तो उसका शेप गोल होता है या फिर रोटी टाइप में। तो यहाँ पर मैं पहले तो वही बना रही थी, जैसे देख सकते हो गोल छोटे वाले जो मिलते हैं वैसे ही, वो नहीं बना रही अब तो दूसरा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो पहले तो दो गोल वैसे ही बनाया। तो आपको मोटा लगे बीच में तो थोड़ा सा हल्का सा बेल के इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्वायर जितना लिया और इसको बीच में फिलिंग भरी, और अच्छे से हाथ खोल के फिलिंग भरिएगा और इसको स्क्वायर शेप जैसे स्टार बनाते हैं उसी तरीके से बना लिया। आपस के कोने जो है जोड़े और इसको अच्छे से किनारे जो है इसको सील कर दिया, और ये हमारा एक नया जो है तैयार हो गया डिज़ाइन, जैसे मोमोज हम बनाते हैं उसी तरीके से। और ये आपको दिखने में लग रही होगी फिलिंग इतनी ज़्यादा है, तो ये बराबर हो जाएगी शायद एक या फिर दो पफ के लिए, तो कम भी पड़ गई थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाथ खोल के जो है इस्तेमाल कर रही हूँ 2-3 टेबल स्पून जितना। तो यहाँ पर मैं ये जो है
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हो क्या बोलते हैं उसको, कम क्वांटिटी में एक पाव जितनी में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो भी बना दूँगी। इसी तरीके से सारे बना लेंगे बैच टू बैच करके। एक टाइम पे जो है 35 to 40 यहाँ पर बेक हो रहे हैं। तो अंडा मैंने फेंट लिया है, हल्का सा 1-2 चम्मच दूध डाल दिया और उसको ब्रश की मदद से लगा देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो इस वजह से तो ये लगाने के बाद इसको रख देंगे ओवन में तकरीबन 35 to 40, क्योंकि ज़्यादा है ये क्वांटिटी वाइज। तो इस वजह से नॉर्मल अगर आप 10-15 बना रहे हो तो 25 मिनट में बन जाते हैं। तो ऊपर दोनों रॉड मैंने ऑन रखे हैं, क्योंकि जब तक नीचे का सुनहरी होगा तो ऊपर का कलर आ जाएगा। इस तरीके से मैं थोड़ा सा चेंज करती रहूँगी टाइम टू टाइम। टाइम लग जाएगा आपको 35 to 40। तो दूसरा भी बेल लिया, जितनी देर में आपके वो बेक हो रहे होंगे उतनी देर में दूसरा भी आप तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा वो बेक हो रहे थे तो मैं दूसरी बैच जो है इसी तरीके से बना रही हूँ। 3 बैचेस में आपके आराम से 120 बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से स्केल की मदद से ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक अंदाज़ा रहता है आपको। अगर आपने नॉर्मल जैसे ही बनाया तो वो अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो इस वजह से तो यहाँ पर सारे बन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये हमारे जो है दिल पसंद जो है बनकर तैयार हुए थे। ये जो है स्पेशल ओकेशंस के लिए, आपको बांटने के लिए अगर बना रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई भी इवेंट है आपका घर में या फिर कोई भी चीज़ अपने ऐसे ही बना के बांटना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बनाइएगा ज़रूर। और इस तरीके इंशाल्लाह मैं कम क्वांटिटी में भी आपको पफ वाला बनाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको दे दूंगी कि ब्रेड के साथ मैंने दिलखुश कैसे बनाया है, सॉरी दिलखुश दिलपसंद एक ही चीज़ है। तो बस उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत पहले बनाया था मैंने वीडियो वो, तो वो जो है ब्रेड है, बेसिकली ब्रेड का है। ब्रेड का भी बनता है, पफ पेस्ट्री का भी बनता है, तो पफ का भी बनता है ब्रेड का भी, अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है, पफ का जिसे अच्छा लगता है उसको ब्रेड का अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर अच्छे से ये बेक हो चुके हैं 35 to 40 मिनट्स में, बेहतरीन किस्म के कलर बहुत अच्छे से खूबसूरत आ चुका है। इसको निकाल लेंगे, ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर दूसरी बैच भी इसी तरीके से मैंने बना ली है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ये बेक हो चुके हैं। तो आप किसी भी बड़ी चीज़ या फिर कोई भी इवेंट पे बनाना चाह रहे हो तो बेझिझक बनाइएगा, 4 से 5 घंटे की मेहनत है, रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, आपकी बेहतरीन किस्म के पफ जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के बनते हैं पफ्स, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी देख सकें। और ये पूरा जो है क्वांटिटी बनकर तैयार हो चुकी है। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।